तो अभी वहाँ चलेंगे, आप वहाँ से पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ये चौपाटी कहलाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं अभी। और यही वो पहाड़ है जो ख्वाजा साहब की याद में 800 साल से भी ज़्यादा से आज तक रो रहा है, उसके आंसू आज भी पहाड़ के ऊपर बने हुए, आप देख सकते हैं साफ साफ आंसू दिखाई दे रहा है। और ये ख्वाजा साहब के चिल्ले के नाम से मशहूर है, ये ख्वाजा साहब का चिल्ला मुबारक है। यहीं पर ख्वाजा साहब ने अजमेर शरीफ में आने के बाद अपने मुकाम बनाया अल्लाह की इबादत और रियाजत करने के लिए। काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, ज़ियारत करते हैं। और ये चिल्ला कहाँ पर बना हुआ है अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं ट्विन अंसारी चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ में जहाँ पर ख्वाजा साहब का चिल्ला मुबारक है, चिल्ले मुबारक में मौजूद हूँ। यहाँ की आप आपको हाजिरी कराएंगे और आना सागर भी दिखाएंगे, जहाँ से ख्वाजा साहब ने हुक्म दिया था अपने मुरीदीन को कि जाइए और पानी से बोलिए कि ख्वाजा साहब ने आपको बुलाया और पानी पूरा कासे के अंदर आ गया था, वो आना सागर भी हम आपको जाके वहाँ से दिखाएंगे। और चिल्ले मुबारक की भी आपको अंदर से हाजिरी कराएंगे। अभी ज़ायरीन काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी तादाद में आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि ख्वाजा साहब के 812वें उर्स स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी नीचे चलेंगे, नीचे की तरफ भी आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे किस तरह से आना सागर दिखता है। और काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं, आना सागर को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं कि आखिर ये आना सागर इतने से कासे में कैसे आ गया था। तो हम भी आपको पास से आके दिखाएंगे किस तरह से ये आना सागर कितना बड़ा है, किस तरह का दिखता है। तो चलते हैं नीचे की तरफ, आपको तमाम नज़ारा दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ के हाजिर करेंगे, फिर हम चलेंगे आना सागर देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम चिल्ले मुबारक पर पहुँच चुके हैं और काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर पहले ही मौजूद हैं। जो ज़ायरीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह शरीफ आते हैं ज़ियारत करने के लिए, वो ख्वाजा साहब के चिल्ले मुबारक पर भी आते हैं और यहाँ की हाजिरी करते हैं और अपनी यादें संजो कर ले आते हैं, मोबाइल में फ़ोटो वगैरह खींच के ले आते हैं, मूवी बना कर ले आते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आ गए तो चैनल बने रहिएगा, हम आपको अभी आप आना सागर भी दिखाएंगे जहाँ पर ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया था कि आप जाइए और पानी से कहिए कि आपको ख्वाजा साहब ने बुलाया था और वो जो आना सागर है सारा एक कासे में भर गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ, देख सकते हैं ये चिल्ला मुबारक है, काफ़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। आप भी हमारे वीडियो के ज़रिए से हाजिर कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं, अपने सलाम पेश कर सकते हैं। माशाल्लाह ये वो जगह है जहाँ पर ख्वाजा साहब ने अपनी इबादत का बनाया और उसको अजमेर शरीफ आने के बाद वो यहीं पर बैठ के ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को हुक्म दिया था। तो ये चिल्ला मुबारक जो एक पहाड़ के अंदर बना हुआ है, पहाड़ की खो के अंदर बना हुआ है। और ये जब ख्वाजा साहब ने इस जगह को छोड़ के गए और ख्वाजा साहब जब यहाँ से जा रहे थे अपना मुकाम छोड़कर, तो आपकी याद में पहाड़ भी रोने लगा था, वो आंसू के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है। आप साफ देख सकते हैं मोटी मोटी बूंदे बन चुकी हैं जो पहाड़ पर मौजूद है आज भी। लोग इन्हीं बूंदों को आंसुओं को देखने के लिए भी आते हैं कि आखिर पहाड़ कैसे रो सकता है, पहाड़ भी कभी किसी ने रोता हुआ नहीं देखा। तो आप पूरी दुनिया में जाएंगे कहीं भी आपको ऐसे पहाड़ नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ ये जो करामात है ख्वाजा साहब की अजमेर शरीफ के अंदर ही मौजूद है और ये पहाड़ पर मौजूद है आज भी दिखाई दे सकती है, साफ साफ आप देख सकते हैं माशाल्लाह। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ के जो बताते हैं लोगों ज़ियारत करा रहे हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के चिल्ले मुबारक की हाजिरी कर ली होगी। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं आना सागर, अजमेर शरीफ का मशहूर आना सागर। उस आना सागर से काफ़ी मशहूर एक वाक्या जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया और बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब उस वक्त के राजा ने पानी पर पहरा लगा दिया था कि आप किसी को पानी ना दें, और जब वहाँ की जनता प्यासी भूख प्यासे तड़प रही थी तो ख्वाजा साहब ने भी अपनी करामात दिखाई, अपने मुरीद को कहा जाइए आना सागर से कहिए कि आपको ख्वाजा साहब ने बुलाया है। और जब ख्वाजा साहब के मुरीद वहाँ पर पहुँचे और कासा सामने रखकर आना सागर से कहा या आना सागर आपको ख्वाजा साहब ने बुलाया है, तो फौरन आना सागर का सारा पानी जितना ही पानी था वो एक कासे के अंदर आ गया था। तो फिर राजा ने अपनी माफ़ी मांगी और आना सागर को ख्वाजा साहब ने वापस भर दिया माशाल्लाह। ये काफ़ी मशहूर करामात है। तो अभी वहाँ चलेंगे, आप वहाँ से पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ये चौपाटी कहलाती है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं अभी, और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे क्योंकि ज़ायरीन की आवक लगातार जारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ मछली का दाना भी मिलता है जगह जगह, देख सकते हैं लोग मछली का दाना बेच रहे हैं यहाँ पे आना सागर के अंदर। जो भी ज़ायरीन आते हैं मछली का दाना भी लेते हैं और दाना भी खिलाते हैं। अभी ज़ायरीन लगातार आ रहा है अभी, और सामने की तरफ आना सागर आप देख सकते हैं किस तरह से ज़ायरीन अभी आना सागर देखने के लिए जा रहे हैं। वही मच्छी का दाना जगह जगह मिलता है, खाने पीने की होटलें यहाँ तक लग चुकी है क्योंकि जब ख्वाजा साहब के उर्स आते हैं तो अजमेर शरीफ के अंदर
तमाम दुकानें लग जाती हैं ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो जायरीन को। गर्मा से गर्म समोसे ही। चिल्ले मुबारक के बिल्कुल करीब में ही है ये, चिल्ले मुबारक के बिल्कुल करीब में ही है आना सागर। आना सागर का वीडियो बना के हमने पहले भी अपलोड किया हुआ है और इस बार 812वें उर्स के मौके पर हम आपको लेके जा रहे हैं। हवाया साहब के 812वें उर्स जैसा आपको पता है स्टार्ट हो गए हैं और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये ग्राउंड पूरी तरह से गाड़ियों से फुल हो जाएगा। अभी काफ़ी कम है लोग, फिर भी धीरे धीरे जायरीन यहाँ पर आने स्टार्ट हो चुके हैं। गाड़ियाँ जो है यहाँ पर खड़ी होती हैं जायरीनों की, और वो चिल्ला मारा गया वहाँ पे गए थे, वहाँ से नीचे की तरफ आए अभी और आना सागर पहुँच चुके हैं। तमाम जायरीन लगातार पहुँच रहे हैं यहाँ पर आना सागर देखने के लिए। यहाँ तो बैरिकेड लगे हैं, अभी इस तरफ से जाएंगे गेट के अंदर से। तो दोस्तों आप आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये आना सागर है। इसी आना सागर को ख्वाजा साहब के एक हुक्म से जो कासिम आ गया था पूरा, ये इतना बड़ा आना सागर है आप देख सकते हैं। और आना सागर के दोनों तरफ ही दुकानें लगी हुई हैं, बिल्कुल रोड के करीब ये चौपाटी बनाई है, चौपाटी से ही हम आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं पूरी तरह आना सागर कितना बड़ा आना सागर है, काफ़ी बड़ा आना सागर है। एक छोटे से कासे के अंदर ये पूरा आना सागर इसमें समा गया था ख्वाजा साहब के एक हुक्म से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के वलियों की करामात आप देख सकते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर ये आना सागर मौजूद है। काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में जायरीन यहाँ पर आ चुके हैं। आना सागर में काफ़ी तादाद में छोटी बड़ी मछलियाँ भी है और यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर मछली पालन भी होता है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। रोड के किनारे पर ही आना सागर बना हुआ है, आप सभी प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड के करीब बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। वो चिल्ला मुबारक है वहाँ पर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ख्वाजा साहब में हाजिर करने तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, काफ़ी खूबसूरत जगह है, हमने आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया है। हाँ और क्या, तमाम दुकानें भी यहाँ पे लगती है, आप देख सकते हैं पापड़ की, बुढ़िया के बालों की, आना सागर के बिल्कुल करीब में ये दुकानें भी लगती हैं लोगों की। और बिल्कुल यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं, गाड़ी वगैरह लेकर आ सकते हैं, किसी चीज़ की आपको तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि गाड़ी यहीं पर रुकती है, देख सकते हैं गाड़ी यहीं पर रुकती है। यहाँ पर गाड़ी आपको मिल भी जाएगी ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए और यहाँ पर आप आराम से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है और यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा है अजमेर शरीफ का। आज जो है बिल्कुल सर्दी नहीं है, काफ़ी कम है सर्दी भी। तो दोस्तों मैंने आपको तमाम मालूम जानकारी दे दी है अपने YouTube चैनल ट्विन जनसारी पर, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।